सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, जिसको स्पाइस बोलते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, तुमको कंपनी को रजिस्टर करना है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन जिस दिन हुआ उस दिन तुमको रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। तुमको मैं एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का झलक दिखाता हूं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अशोका चक्र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, लेकिन ये जो रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो कीर्ति तेज है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इन्होंने ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया है। किसको? एक कंपनी है, रिलायंस नवी मुंबई इंफ्रा लिमिटेड। तो तुम्हारा मूल उद्देश्य है ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये भी ऑनलाइन दिया गया है। तो जो प्रोसीजर है जो तुमको ऑनलाइन करना है उसके बारे में। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, पहला रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। मैं तुमको डायरेक्टली वापस यहां ले जाता हूं। नाउ कंपनी ने अपना नाम क्या रखा है? रिलायंस नवी मुंबई इंफ्रा लिमिटेड। तुमको ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो कंपनी का जन्म हुआ, लेकिन इस जन्म से पहले तुमको रजिस्ट्रार के पास कुछ नाम देने होंगे। जैसे रिलायंस ने ये नाम दिया था रजिस्ट्रार को, रिलायंस नवी मुंबई इंफ्रा लिमिटेड। एक्चुअली ये रजिस्ट्रार को नहीं, एमसीए को जाता है ऑनलाइन। तुम क्या करते हो? रिजर्वेशन ऑफ नेम, तुम रजिस्ट्रार को बोलते हो कि ये नाम हम चुनना चाहते हैं, तुम अपने डेटाबेस में चेक करो कि ये नाम ऑलरेडी मौजूद है क्या। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है रन। वो सॉफ्टवेयर जो रन है उसमें जाकर वो चेक करेंगे और पता चलेगा कि रिलायंस नवी मुंबई इंफ्रा लिमिटेड नाम का कोई और कंपनी नहीं है। तुमको इसका 1,000 रुपए का चार्ज लगेगा नेम रिजर्वेशन का। जैसे ही वहां से नेम रिजर्व हुआ, तुम्हारे पास 20 दिन का टाइम है। कम वो लोग 20 दिन के लिए ये रिजर्व करते हैं। जैसे ही तुमको पता चला कि नाम तुमको मिल गया है, मतलब किसी और ने रजिस्टर नहीं कराया है, तो तुम इस नाम से कंपनी को रजिस्टर करा सकते हो, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू कंपनी में क्या होता है कि तुम ये जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पाना चाहते हो, तो तुमने क्या किया, तुमने नेम रजिस्टर कराया। नेम रजिस्टर कराने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और एक लिस्ट है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स तुमने सबमिट किए, तो तुमको इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, ये मिलेगा। नाउ टिन नंबर फॉर डायरेक्टर्स। अब ये टिन नंबर होता क्या है मैं तुमको बताता हूँ। मैं तुमको मुकेश अंबानी का टिन नंबर बोलता हूँ। देखो 0000 1695, ये 8 डिजिट नंबर है जो हर डायरेक्टर को कंपलसरी रखना पड़ता है। ये जो नंबर है तुम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 500 रुपया लगता है ये नंबर मिलने के लिए। हर डायरेक्टर का अलग टिन नंबर रहता है। मुकेश अंबानी ग्रेट बिजनेसमैन है, तो उनका मैंने ये डिन नंबर निकाला हुआ है, 8 डिजिट तुम्हारे सामने। ये ऑनलाइन है, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है, तुम ये पब्लिक पे है। और मुकेश अंबानी कितने कंपनी में डायरेक्टर है, इस डिन नंबर के मदद से तुमको मिल जाएगा। सो बोलने का तात्पर्य है डिन फॉर डायरेक्टर्स तो कंपलसरी। उसके बाद पैन एंड टैन। पैन क्या होता है? अब मैं कोशिश करता हूं तुमको रिलायंस का पैन नंबर बताओ। ये भी सीक्रेट कुछ नहीं है, रिलायंस का सिन नंबर, CIN, ये हर एक कंपनी के लिए 21 डिजिट का नंबर है जो कंपलसरी है। मैं तुमको रिलायंस का पैन नंबर बताता हूँ। इसमें जैसे मैंने बताया कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ये देखो पैन नंबर है रिलायंस का, अल्फा न्यूमरिक है, ये 10 डिजिट नंबर है, ये हर कंपनी को लेना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एज अ पैन नंबर। और इसमें एक होता है टैन नंबर, ठीक है, ये रिलायंस का पैन नंबर है। ये जीएसटी नंबर भी आ गया, एक अलग से इनको ये भी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? टैन नंबर। टैन नंबर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुमको एक लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। ए
निराली पब्लिकेशन ले लो, चलो निराली पब्लिकेशन एक बुक का ऑथर है, ठीक है, और ये ऑथर है, ऑथर को साल का 1,00,000 रुपया देना है, तो निराली क्या करेगी, 1,00,000 देने के बजाय 10% काट लेगी इसमें से, 10,000 काट के बाकी का, माउस से लिख रहा हूं, 90,000 इस ऑथर को पैसा दे देगी, ठीक है, और ये 10,000 जो काटा है इसको TDS बोलते हैं, और फिर रिलायंस सॉरी निराली पब्लिकेशन 10,000 जाकर गवर्नमेंट में भर देगी। अगले साल ऑथर का टैक्स आएगा 15,000, उसका 10,000 तो ऑलरेडी निराली ने भरा हुआ है, ये जो 10,000 है, तो वो 10,000 माइनस करके 5,000 ही भरेगा ऑथर, क्योंकि उसका 10,000 ऑलरेडी भरा हुआ है, तो निराली को 10 नंबर लेना पड़ेगा ये TDS काटने के लिए। निराली का पैन नंबर भी अलग होगा और 10 नंबर भी अलग, ठीक है, तो जो ऑथर है उसको 10 नंबर की जरूरत नहीं, उसको सिर्फ पैन नंबर की जरूरत है, ठीक है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन नंबर। तो ये जो स्पाइस फॉर्म है, तुम ई मेमोरेंडम ई आर्टिकल्स सबमिट करोगे, तुम्हारे सामने ये ई मेमोरेंडम और ई आर्टिकल्स में तुमको बता सकूंगा, ये देखो ये तुम्हारे सामने ये आ जाएगा तुम्हारा मेमोरेंडम, ये रहा, तुम ये ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो, पहले मेमोरेंडम आएगा और फिर बाद में आर्टिकल्स आएगा, ये ऑनलाइन सबमिट होता है, इसमें कंपनी का नाम क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, क्या उद्देश्य है, पर ये सारा डिटेल्स जो डॉक्यूमेंट चैप्टर है जो कि अगला उसमें मैं बताऊं, ये तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, बट तुमको ये मेमोरेंडम आर्टिकल्स और जो प्रिस्क्राइब्ड फी लगता है, ठीक है ना, 1,000 रुपया मेमोरेंडम का लगता है, ये सबमिट करके तुम क्या पाओगे, ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वापिस से हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी देख लेते हैं जो इधर स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे ये रिलायंस का है और ये दूसरा कंपनी रिलायंस नवी मुंबई, एक्चुअली ये रिसेंट का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, उसमें कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर जो 21 डिजिट, तुम्हारा आधार कार्ड नागरिक के तौर पर है ना, तो कंपनी हर कंपनी को 21 डिजिट कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर लेना पड़ता है, जैसे तुम्हारा पैन कार्ड है, पैन कार्ड तो इनकम टैक्स के लिए, 10 नंबर इनकम टैक्स का जो TDS काटता है जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, और ये 24th day of January 2019 कंपनी का जन्मदिन है, इस तारीख को कंपनी का जन्म हुआ, ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तुमको लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या आएगा, नेम, डेट, CIN, पैन, सिग्नेचर, ये देखो तुमको अभी बताया था मैं, वापस एक बार बता दू, कंपनी का नाम आ गया, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर आ गया, पैन आ गया, टैन नंबर आ गया, कौन सा तारीख आ गया, और ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रार ने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट साइन किया तो ये ऑथेंटिकेट कर दिया है कि ये सिग्नेचर है, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है जो कि लीगली वैलिड है, ठीक है ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के नाम पर किया वो वहां से ही होगा, बट सर्टिफिकेट किसके नाम पर मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनीज का हेड ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर खुद एक मिनिस्ट्री है, तो ये काम है। अभी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जैसे मिल गया उसका महत्व क्या है, ये बर्थ सर्टिफिकेट हुआ कंपनी का, ये तुम्हारे सामने मैंने बताया था, ये जो तारीख है, जन्म कौन से तारीख को हुआ, रिलायंस नवी मुंबई इंफ्रा लिमिटेड का 24th of January 2019 को कंपनी का रिलायंस नवी मुंबई इंफ्रा लिमिटेड का जन्म हुआ। अच्छा, उसके बाद द कंपनी हैज नाउ बिकम अ लीगल पर्सन डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अब वापिस से आते हैं, जिस तारीख को कंपनी का जन्म हुआ इस तारीख को कायदा रिलायंस को एक अलग अस्तित्व मानेगा, मतलब रिलायंस नवी मुंबई इंफ्रा लिमिटेड को एक अलग ऑर्गेनाइजेशन कानूनी दर्जा मिल जाएगा, इसके जो मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स है, और रिलायंस नवी मुंबई इंफ्रा लिमिटेड कायदे से दोनों अलग है क्योंकि कंपनी का बाकायदा जन्म हुआ, ठीक है। उसके बाद कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट हो जाती है, मतलब रजिस्टर्ड एंटिटी हो जाती है, परपेचुअल सक्सेशन मतलब वो 100 साल काम करे, 200 साल काम करे, एज लॉन्ग एज प्रॉफिट में है, कोई अंत डेट नहीं है। अच्छा, जो नाम से रजिस्टर हुई है रिलायंस नवी मुंबई, इसी नाम पे कुछ फ्रॉड हो रहा है तो कंपनी किसी पर केस कर सकती है, कोई रिलायंस नवी मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर नाम पर केस कर सकता है यदि कोई दिक्कत है कंपनी से तो, ठीक है। और इसके बाद में जैसे ये देखो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे दिया हुआ है ये, लेकिन ये तो जिस प्रकार से दिया हुआ है काफी अच्छा दिया है, बट तुमको लाइव सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में दिखा रहा हूँ, ये रहा
रिलायंस नवी मुंबई इंफ्रा लिमिटेड का, ये पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, करेक्ट। और फिर अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ये जो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर है ये 21 डिजिट नंबर है। मैं वापिस से तुमको लाइव रिलायंस का CIN नंबर में लेके जाता हूँ ताकि तुमको क्लियर हो जाए कि ये नंबर क्या है, ठीक है। रिलायंस का सिन नंबर में तुमको बताऊंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जो दिया है CIN नंबर, ठीक है। रिलायंस का CIN नंबर तुमको अभी मिल जाएगा, ये तो बोलते ना पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये इसमें कोई छुपा हुआ नहीं होता है। ये देखो रिलायंस का CIN नंबर, ये रहा कंपनी स्टेटस ROC, यहाँ पे CIN नंबर भी देना ही पड़ेगा उनको, बाय चांस इधर ठीक से नहीं दिए रहा CIN नंबर, ये रहा। देखो L17 ये 21 डिजिट है। अब सिर्फ सवाल ये है कि 21 डिजिट बनता कैसे है, वो मैं तुमको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ओके। पहले हाउ टू रीड इट, 21 डिजिट को 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग में बांटा गया है। पहला लिस्टेड, अभी लेट अस कम बैक टू द रिलायंस का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एल क्यों है, इट मींस लिस्टेड, इसके शेयर शेयर बाजार में बिकते हैं, ठीक है। ये लिस्टेड का मीनिंग निकलता है। यदि कोई प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड है तो एल नहीं आएगा, यू आएगा। फिर इंडस्ट्री कोड, अब वापस से रिलायंस में आते हैं, ये 17110 इंडस्ट्री कोड है, हो सकता है वो पेट्रोकेमिकल के संबंधित हो, ठीक है। नाउ MH स्टेट कोड, अभी यहाँ पे वापस आते हैं हम रिलायंस के इसमें। MH मतलब महाराष्ट्र, भाई अपना गाड़ी का नंबर प्लेट MH आता ना, सो महाराष्ट्र का है। उसके बाद ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, MH के बाद देखो 1973 को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जन्म हुआ था, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया, ठीक है। उसके बाद PLC, टाइप ऑफ कंपनी पब्लिक है क्या प्राइवेट है क्या OPC है, वापिस देखते हैं। यहाँ पे 1970 के बाद में पब्लिक कंपनी है, समझ में आया, इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी PLC, क्योंकि उसके शेयर्स शेयर बाजार में बिकते हैं। और फिर ROC का रजिस्ट्रेशन नंबर 260, तो यहाँ पे 19786, ये 019786 जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है रिलायंस को वो है। तो ये CIN नंबर हर एक के लिए कंपलसरी है, हर एक कंपनी, जैसे तुम्हारा नागरिक के तौर पर आधार कार्ड रहता है वैसे कंपनी को CIN नंबर होता है, और डायरेक्टर का DIN नंबर होता है, ठीक है। डायरेक्टर का DIN नंबर मैंने तुमको बताया था, मुकेश अंबानी का, मेरे पास यहाँ पे वापिस एक बार दिखा देता हूँ चाहिए तो, जो मुकेश अंबानी का DIN नंबर, मुकेश अंबानी DIN नंबर दिखा देता हूँ। ये इंसान जो है मुकेश अंबानी जो बिजनेसमैन है उनका DIN नंबर है। सो कंपनीज एक्ट में हर एक डायरेक्टर को DIN नंबर होना जरूरी है और हर एक कंपनी को SIN नंबर होना जरूरी है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का CIN नंबर ये है, और जो डायरेक्टर है हर एक डायरेक्टर का अलग नंबर होगा 00001695, ये DIN नंबर है मुकेश अंबानी जी का। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये प्रक्रिया है जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, और ये सब ऑनलाइन होता है, तो ये प्रक्रिया को स्पाइस बोलते हैं, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। आई होप ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।